जंगल को यह समझदार बलवान भी है। हे सर्वज्ञ, हे दया सागर, प्रभु राम जी सुनिए। बेटा, तुम मेरे कार्य के लिए लंका जाओ। बेटा, तुझे मैं क्या समझाऊं? तुम तो खुद ही समझदार हो। बेटा, जिस प्रकार उसका परम हित और मेरा कार्य हो, शत्रु से उसी प्रकार की बातचीत करना। श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वत्र आज्ञा दो, तत्वर जाने को इच्छुक हूँ। हे अवध के राजकुंवर, सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हार। आगे से मेरे हजा नहीं चाहता है, बिना प्रणाम किए इस अस्त्र फेंका कर स्वागत है। तो पहले अभी चखाऊंगा मैं राजकुमार, यहाँ का हूँ, पोती पोती चुनाऊंगा। क्या दूसरा ये लग रहा है, मारे मारे फिरते हैं, छूटा है राजपाठ जी का बन संदुखिया फिरते हैं। जिनकी वक्तता के नारी लंका के पंडित खंडे है, उनका खुदा क्योंकि वो आया धन विशुद्ध बाबा बन चोरी से तारीफ तुम्हारी को तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे लंका लेकर भीषण संग्राम सीता माँ को ले जाएंगे। बन जाओ, मैं जा रहा हूँ, नहीं जाकर रावण से कह दो कि रघुनाथ जी का एक दूत आया है और वह आपके दरबार में आना चाहता है। रघुनाथ जी का एक दूत आया है जो आपके दरबार में आना चाहता है। सपती पंचम तरह से अनंत नारद कभी आया है, अपने को दूत बताता है, उस रात है खड़ा मत हाथी समाज मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि तो आने दूर राजा अधिराज की सेना जो बुला लो, कहां का मंदिर है, जो बुला लो। अरे कौन है, बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम, क्या है काम? भाई, मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ। अच्छा, मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी, इसी से भलाई के लिए मैं आया हूँ। तुम उत्तम कुल फुला ऋषि के नाती हो, यू ब्रह्मा जी की पूजा करके बहुत से राजाओं को जीत लिया, तो उसी मोह पर तुम जगत की माता सीता जी को हर लाया है। अब तू मेरा कहना सुन, कहे तू अपने स्त्री परिवार सहित सीता जी को आदर के साथ आगे करके इस प्रकार चलो और कहो, हे प्रतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोर, सुनत ही आरत भजन प्रभु अभय करेंगे तोर। यहाँ पर हो है मेरे होगा, हे हाले कपितो तपो नुसाम्भारी। सुनेगा ना, मैं बेटा
शत्रु। अरे भाई अपना अपने पिता का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता कैसा है? हाँ मुझे ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है। दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किस किन्हा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। हे रावण सुन, मेरा नाम अंगद है, अंगद। मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे तुम्हारी भेंट हुई होगी। बाली राम का एक बंदर था, उसको मैं जानता हूँ। हे अंगद, तुम्हें बाली का पुत्र है, अपने कुल का नाश करने के लिए कुल में उत्पन्न हुआ है। क्यों नहीं गिर गया, तू ग्रंथ ही उत्पन्न हुआ। हाँ अब बाली की कुशल तो कहो, वह कहाँ है, ठीक ठाक तो है ना? कहो क्या तू अंगद है, क्या तू बाली का बालक है, क्या तू ही दास का जोड़ा है, क्या तू ही बाली का धारक है? यदि तेरा गर्भ न सहता तो होता आज का नहीं, पक्षी का दूत कहने में आदि सुख लाके। दस दिन बाद जाकर बाली की कुशल पूछना, राम जी के प्रतिकूल होने की जैसी कुशल होगी वह तुझे बता देगा। क्या बता देगा? भेद उसी के मन में होता है जिसके विषय में रघुनाथ जी नहीं है। हे दशानंद, मैं तो कुल का नाशक हूं, तू तो सचमुच कुल का पालक है। अरे ऐसे तो अंधे और बहरे भी नहीं कहेंगे। फिर तो तुम्हारे पास 20 आंख और 20 कान है। जो ब्रह्मा मुनि समुदाय जिसकी सेवा करते हैं उसके दूत होकर मैंने कुल का नाश किया, नहीं तो क्या किया? ऐसी बुद्धि होने पर भी तेरा हृदय नहीं फटता है। हे लंका भी स्वर ध्यान हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काठ में बंदी थे, उस समय आपके मूर्छा थी। उनका ही सेवक अंगद यहां कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी रात सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। मैं तेरे कठे बचने को इसलिए सोता हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, तू कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। तेरी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। क्या सुना है कहो? कि तू सुने में पराई स्त्री की चोरी करता है। चोरी? अरे रावण सुन, अपनी बहन को बिना नाक और कान का देखकर तूने धर्म विचार पर ही क्षमा किया। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि तेरे जैसे धर्मी का दर्शन तो हुआ। नहीं तो बहुत अच्छा हुआ। तकलीफ मत कर, लेकिन मेरी भुजाओं की वजह से, किसी भुजाओं के बल से पर्वत सहित शिव जी को उठा लाया, समझे? फिर नारी का दुख जाता है, अरे उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है, कहता है ना? हाँ बोलो। तो मूरी गजर है सुग्रीव पेड़ संता तट का, हाँ जिस जहां में वंश पर फूले तूने चौथा पर है उस भर का। नल नील श्री पकड़ सीखो नहीं फिले उन्होंने, हाँ कुछ है तो वो एक वो ही है जो आकर हमारे लंका का धर्म का साफ कर गया, समझे?
पंच भी निकल गया। और तुम्हारी सेना में कौन ऐसा योद्धा है जो मुझसे लड़े? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग से बड़े ही हो गया है बेटा, और उसका छोटा भाई उसके दुख से हर वक्त दुखी रहता है, रहता है ना? हाँ, हमारा भाई भी तो अत्यंत दुर्भोग है, तो सुखी नदी के किनारे के वृक्ष हो बेटा, वृक्ष हो शिल्पकारी का काम अच्छा जानते हैं। हाँ, एक बंदर है जो कुछ दिन पहले आकर के नगर का धारा मकड़ा पास कर गया, पास कर गया हमारा नगर का धारा का मकड़ा, समझे? तुम्हें पता ही नहीं है क्या हुआ? श्री मुख ने कथन किया, क्या एक छोटे से भले ने सचमुच में लंका दहन किया? कपिपति ने चलते समय उसे कर सब विचार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे, उसको जो काम बतलाए थे। क्या बतलाए थे बताओ? पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को भागकर सा घर के मध्य बहा देना। वाह बेटा, तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला कर लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। आज यह इस समय प्रकट हुआ, कुछ काम वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचान अभी शायद मुंह तक दिखलाया है। हे राक्षस के राजा, सच्ची सच्ची बात कहो, क्या सचमुच ही एक छोटे से बंदर ने फिर नगर को जला दिया? मैं नगर का धारा मकड़ा साफ कर गया, बहिला मेरे घर में मेरे रावण नगर एक छोटे से बंदर ने जला दिया। अरे ऐसी बात कौन कहे और कौन सुने? क्या कुछ मेरे को बहर रहे हुए हो? हे रावण, जिस बंदर की तू इतनी बड़ी प्रशंसा करता है ना, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा हलकारा है। हलकारा उसे खबर लेने के लिए हम लोग भेजे थे। वाह, क्यों भेजे थे? तो बिना प्रभु के आज्ञा के ही नगर को जला दिया, इसी डर से वह कहीं छिप गया है। हे रावण सुन, हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे तुमसे लड़ने में शोभा पावे। ये तुम जानते हो ना, प्रेम शत्रुता बराबरी वालों के साथ करनी चाहिए। सही बात है, तुझे तो मारने में भी दोष है, फिर भी क्षत्रिय जाति का वेश कठिन है, बहुत बड़ा बूढ़ा है। वो अपने स्वामी के कार्य के लिए अनेक उपाय करते हैं। बंदर तुम सामने है, तू अपने स्वामी के कार्य के लिए लज्जा छोड़कर जहां तहां नाचते हो और लोगों को निभाते हो। हाँ, बंदर स्वामी भक्त होते हैं, वह अत्यंत गुणग्राहक है, इसलिए तेरे इन कटु बचनों पर ध्यान नहीं देता हूं, समझे? पवन पुत्र हनुमान जी ने मुझे बताया था, उन्होंने तेरे नगर को उजाड़ा और जला दिया, तो भी तुमने उनका कुछ अपकार नहीं किया। मैंने देख लिया कि तुम्हें न तो लज्जा है, न अभिमान है और न क्रोध ही है। हे पानव, तेरी ऐसी बुद्धि है, कभी
से तूने उसे पिता को खा गया ना, खा गया, तुझे भी खा जाता। मुझे कुछ समझ पड़ा कि रेणी अभिमानी तुझे बाली के निर्मल यज्ञ का पात्र समझकर नहीं मरता। हे रावण, कहो संसार में कितने रावण हैं? मैं अपने कानों से जितने सुने हैं उसे सुन रो। एक रावण राजा बलि को जीतने के लिए पतंगपुरी गया। वहां उसे बालकों ने घुड़साले में बांध रखा था और उसे खेल में ले जाकर लाठी से मारते थे। तब बलि राजा पे दया आ गई और उन्होंने उसे छुड़ा दिया। दूसरा रावण वह है जिसे सहस्त्राबाहु ने देखा था और उन्होंने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। मानो कोई अद्भुत जीव है। उन्होंने खिलवाड़ के लिए उसे अपने घर ले गए तो उसे पुलस्त ऋषि ने छुड़ा दिया। हे रावण, एक को कहते हुए मुझे कुछ लज्जा आ रही है। इसका कुछ रहा बाली के साथ रावण तय कवल सबसे हो गई सही मार। मैं तीन में से कह नहीं हूँ, समझे? हाँ, बंधु क्या ध्यान दे। मैं वही पर हूँ जिसकी भुजाओं की लीला शंकर जी के कारण सर्वज जानता है। तू क्या करेगा? मैं अपनी इस सिर को काट कर शिव जी को अनेकों बार चढ़ाया। राजू, मेरे भुजाओं का बल दिक्पाल जानते हैं, तू क्या करेगा? जिनकी हृदय में अभी तक पीड़ा होती होगी, समझे? हाथी मेरी लय की कठोरता को जानती है। मैं वही संसार में प्रसिद्ध रावण हूं। क्या तुम्हें अपनी कानों से नहीं सुना है? नहीं सुना है? सुन, परशुराम जी अपने फरसे से 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दिया। उसी परशुराम जी का अभिमान राम जी को देखते ही चला गया। अरे अभागे रावण, राम भी मनुष्य है, नहीं तो क्या है? अरे दुष्ट, राम भी मनुष्य कैसे है? कहो, क्या गंगा जी साधारण नदी है? अरे हर टाइम नदी ना। कहो, कामधेनु क्या साधारण का है? हर दुकान में कहूं सबको तो अन्नदान साधारण दान है, अमृत साधारण रस है। अरे मूल दशानंद चिंता नहीं क्या साधारण पत्थर है? हर तो पत्थर है, वैकुंठ ले साधारण लोग है। तेरे नगर को जलाकर तेरे पुत्र को मारकर चले गए। अरे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या साधारण बंदर है? बंदर है ना। अरे रावण सुन, चतुराई छोड़कर राम जी का भजन कर। वे दुष्ट, जो तू राम जी के द्रोही हुआ तो ब्रह्मा महादेव जी भी तेरी रक्षा नहीं करेंगे। मुझे रक्षा की जरूरत है। व्यर्थ की बात मत बढ़ा। राम जी के बल से तेरा यह हाल होगा कि हम सब बंदर मिलकर तेरे सिर का चौगान खेलेंगे। तब क्या इसी तरह से तेरा गाल बजेगा? अरे सुना कुछ पसीन से करो, मार दो कम सुनो नहीं जितना उसे आता है। अरे बंदर,
बंदर, बंदरों को इकट्ठा करके समझ में फूल बंदी, यही चंद्र बनाई है। अरे बेटा उसे तो अलग पक्षी मान जाते हैं, लेकिन वे फूल भी नहीं कहते बंदर। अरे मूर्ख बंदर, मैंने जिस तालों से पानी भरवाया है रोने के समय कौन फूल भी है। मैं अपनी हाथों से अपनी सिर को काट कर सूर्य को आने को बांट रहा। जब सिर जलने लगा तो अल्लाह अपना नया मनुष्य के हाथ पड़ा, तो मैं बूढ़े बैर ब्रह्मा के बचने को असत्य ग्रहण कर हंस पड़ा। हंस पड़ा चलिए समान कोई जवान नहीं है जो बार बार अपनी बड़ाई अपने मुख से की है। अरे मंद बुद्धि वाले रावण, सिर काटने से कोई सुर भी नहीं कहता। काट के दिखाओ जरा, हम कार्तिका वीर नहीं होते जो अपने संपूर्ण शरीर को काट देता है। अरे मूल दशानंद, पतंगे दीपक में जलते हैं, गधे का समूह बोझ होता है, पर वे सूर भी नहीं कहते। लेकिन तुम्हारे जैसे गधे ही होते हैं वे। कहो रे दुष्ट, राम जी ने बार बार कहा है, क्या कहा है कि सियार को मारकर सिर का यश नहीं मिलता है। प्रभु के वचन को समझकर मैं तुझे नहीं मारता, नहीं तो तेरा दांत तोड़कर लड़का को समुद्र में डुबो देता। नीच अभिमानी रावण, मैं जान गया कि तू सुने में परा स्त्री की चोरी करता है। तो ही पटक मेरी शरण में हती, तो छो पट करी तब गाओ मन दे गई समेत सच जगत तू सही ले जा। अरे दुष्ट, मरे हुए को मारने से यश नहीं मिलता। कामी क्रोधी दरिद्र शराबी कलंकी कंजूस सदा के रोगी ईश्वर से विमुख ये आदि 14 प्राणी जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान है। ऐसा विचार कर तुझे नहीं मारता। क्या कहा आपने शीश कर शंकर को भेंट चढ़ाया है, काटे तन इंद्र जालिए तो वे योद्धा नहीं कहाए है। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं क्रोधी हूं। मैं तो क्या हूं बलिहारी, यह भी तो कहिए मैं बारी काट कर कह दी हूं। अब तू मरना ही चाहता है, खेती में बड़ी बातें करता है। जिसकी तू इतनी बड़ी बढ़ाई करता है वो, अरे बेटा उसमें तो कुछ भल नहीं है। उन दोनों भाइयों को देश युक्त प्रदान कर उनके पिता ने उनको बनवास दे दिया, समझे। अरे एक तो उसकी के प्रयोग से बहुत दुखी ही रहता है और रात दिन मेरा डर लगा रहता है। अरे मूर्ख, जिसके बल का तुझे अभिमान है, ऐसे मनुष्य को राक्षस रात दिन खड़ा करते हैं। रात दिन खड़े को पकड़कर जान से मार डालो, भालों और बंदों को पृथ्वी से तुल कर डालो और जीते भी उन पक्षियों को मेरे सामने कर लाओ। मुखिया बलवान इधर जो आदर्श पूर्ण का दिखलाए, जो रोने बलने दो भलों और बंदों को खा जाओ। उन पर वासी तो
ज्यादा चित्त भारू है तो बेटा निधड़ो सुन जाओ जाओ। लंका है मिस्टर बसते हैं, वनरों का तो स्वभाव यह है फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं कुल जड़ हो जाए जर जाए, जो रत्ना उसे नहीं भजती वह सड़ जाए वह गल जाए। अरे रावण गाल बजाते हुए तुझे लज नहीं आती? रे निर्लज कुलनाशक रेती चोर कुमारगी नीच पापी काल के वश हो गया है। रे अभिमानी क्या राजी मनुष्य है? नहीं तो क्या है? ऐसे वचन कहते हुए तेरी दिल नहीं गई सकती? रे दशानन जिन्होंने बाली को एक ही बार में मारा वे राजी मनुष्य कहते हैं? अरे तो बाली तो अंदर था ना? अरे भीत आग के अंधे बुरी जाति वाले तेरे जन्म पर धिक्कार है। धिक्कार है बेटा? हम तेरी आज्ञा नहीं है, नहीं तो तेरा दांत तोड़कर लंका को समुद्र में डुबो देता। डुबो देता फल समान तेरी लंका है। मैं बानर हूं, फल खाते देर नहीं लगती, पर राम जी की आज्ञा नहीं है। कुछ सोच समझ लीजिए कि लंका में पाव धर चुके हैं, निश्चय से हीन करूंगा मही यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। कभी नहीं आएगा जानकी जानकी प्यासी है। रे बीस भुजा वाले रावण सचमुच मैं गप्पी हूं, यदि तेरे दो जीवों को न निकालूं तुम्हारी सेना में यदि कोई मेरा पैर पकड़कर उठा ले तो राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। क्यों हार जाएगा? मान अगर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। सुहागर हमारी सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो इस बंदे का पैर पकड़ समुद्र में डूबे डाले। तू सेवक के पाप पर क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरा पैर पकड़ मैं नहीं क्षमा कर सकता हूं? हां प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। अरे रावण मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। रे दुष्ट तू जाकर राम जी का चरण पकड़, रण क्षेत्र में तुझे खिला खिला कर न मारूं तो मुंह पर क्या बुराई के लिए खड़ा होता है। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाकर हूं। जय अंतिम प्रार्थना और भी है, जा
जाते जाते समझाता हूँ। कहो। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी कर जाओगे। असंभव। अकाल मौत होगी, वे मौत स्वयं मर जाओगे। जाओ वैद्य त्याग कर सीता जी को दे दो।
और भगवान जी का भजन करो। भोग भोग दे, भोग भोग दे, भोग मरेगा।